अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, मैथमेटिक्स 4024, वेलकम टू मैथ गुरु। आई होप यू ऑल आर फाइन। आई एम फाइन टू, अल्हम्दुलिल्लाह। ग्रेड 10 स्टूडेंट्स, दिस इज क्वेश्चन नंबर 9 ऑफ एक्सरसाइज 9C। 3D वर्ड प्रॉब्लम्स का ये टॉपिक है जो आपके असेसमेंट में आ रहा है। और ये टॉपिक हमने बेयरिंग के बाद स्टार्ट किया था। बेयरिंग एक्सरसाइज 9B थी, उसके बाद हमने 3D वर्ड प्रॉब्लम्स की थी, तो उसमें ये हमने जो है वो एक्सरसाइज कवर की थी, एक्सरसाइज 9C। और ये क्वेश्चन हमने क्लास में डिस्कस नहीं किया था, इसकी रिक्वेस्ट आई थी कि सर ये क्वेश्चन थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दें, तो आई थॉट कि वीडियो जो है वो ज़्यादा हेल्पफुल होगी, सबको फ़ायदा हो जाएगा इंशाल्लाह। सिंस दिस टॉपिक इज़ कमिंग इन असेसमेंट, तो इंशाल्लाह ये वीडियो तुम लोग के लिए बहुत हेल्पफुल होगी। और असेसमेंट में बिल्कुल आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं इस तरह के क्वेश्चन। ये क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट इस वजह से है क्योंकि इसमें राइट एंगल ट्राइंगल जो है वो नहीं बने, और इसमें नॉन राइट एंगल ट्राइंगल बने, और मैंने कोसाइन रूल से जो है वो दोनों एंगल्स की वैल्यू फाइंड आउट की है। तो लेट्स जस्ट हैव अ लुक एट द सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन। सॉल्व मैंने कर दिया है और इसको इंशाल्लाह एक्सप्लेन करता हूँ, तो आई होप ये वीडियो भी तुम लोग के लिए हेल्पफुल होगी, ये क्वेश्चन तुम लोग को समझ में आ जाएगा। डू ट्राई दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन। एक्सरसाइज 9C आपकी बुक की है D3 की, तो उसमें से काफ़ी सारे क्वेश्चन हमने ट्राई किए हैं क्लास में, जो नहीं किए वो आप ट्राई करो, और कोई कन्फ्यूजन हो तो लाजमी मुझसे पूछ लेना। लेट्स जस्ट बिगिन द क्वेश्चन। द क्वेश्चन सेज पी इज द सेंटर ऑफ द अपर फेस ऑफ द रेक्टेंगुलर ब्लॉक विद ABCD एज इट्स बेस। ठीक है, ये एक रेक्टेंगुलर ब्लॉक है, ठीक है, क्यूबॉइड की तरह नज़र आ रहा है। इसका जो बेस है वो ABCD है, ABCD आपको बेस नज़र आ रहा है, वो भी रेक्टेंगल है, और चूंकि बेस रेक्टेंगल है और ये है भी रेक्टेंगुलर ब्लॉक, तो इसका जो टॉप आपको नज़र आ रहा है ये भी जो है वो एक रेक्टेंगल है। और हम रेक्टेंगल की प्रॉपर्टीज़ जो होती हैं रेक्टेंगल को समझेंगे कि रेक्टेंगल क्या है। रेक्टेंगल में आपको पता है चारों एंगल्स 90 डिग्री होते हैं, तो इसका मतलब है कि बेस पे जो आपको जो फेस नज़र आ रहा है उसमें ये वाला एंगल भी 90 डिग्री है और ये वाला एंगल भी 90 डिग्री है। तो बेस पे जितने भी एंगल आपको नज़र आ रहे हैं वो सब 90 डिग्री है क्योंकि रेक्टेंगल है। इसी तरह टॉप पे भी सारे जो है वो 90 डिग्रीज हैं। तो ये बेसिकली क्यूबॉइड की शेप का जो है वो हमारे पास एक रेक्टेंगुलर ब्लॉक है। क्यूबॉइड भी एक तरह से रेक्टेंगुलर ब्लॉक ही होता है। तो हमसे कह रहा है कि वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ टू एंगल्स, फाइंड एंगल PAC, और सेकंड पार्ट में कह रहा है एंगल PAB निकालना है। तो मैंने आपको बोला था एंगल निकालने के लिए बहुत आसान बात ये होती है कि जो एंगल निकालना है वही वाला ट्राइंगल जो है वो निकाल के बनाना पड़ेगा। तो हमारे पास जो जो गिवन डाटा है उसमें हमें ये वाली साइड 5 सेंटीमीटर दी हुई है, AB जो है वो 12 सेंटीमीटर दी हुई है, और BC जो है वो हमें 16 सेंटीमीटर दी हुई है। तो अगर ये BC 16 सेंटीमीटर है तो ये जो ऊपर वाली साइड है जिसपे कोई अल्फ़ाबेट नहीं लिखा हुआ ये भी 16 सेंटीमीटर होगी, और अगर AB 12 है तो ये भी 12 होगी ऊपर वाली, और अगर ये 5 है तो ये सारी की सारी 5 होंगी क्योंकि ये रेक्टेंगुलर ब्लॉक है। ठीक है, तो रेक्टेंगल की हमें प्रॉपर्टीज यूज़ करनी है, तो अपोजिट साइड जो है वो बिल्कुल बराबर होंगी। तो अगर ये 5 हो गया तो ये भी 5 हो गया, ये 16 हो गया तो ये वाला भी 16 हो गया। तो ये सारी प्रॉपर्टीज़ जो है ना वो हम यूज़ करने वाले हैं और इन एंगल्स को फाइंड आउट करने वाले हैं। तो मूविंग ऑन टू द फर्स्ट पार्ट, द फर्स्ट पार्ट इज वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ एंगल PAC। तो चूंकि एंगल PAC फाइंड आउट करना है तो यही वाला ट्राइंगल जो है वो मैं निकाल के बनाता हूँ। अब चैलेंज ये कि ये वाला ट्राइंगल मुझे ढूंढना है कि ये ट्राइंगल कहाँ से मुझे जो है वो मिलेगा। तो मैं P पे स्टैंड हुआ और मैंने यहाँ से जो है वो A की तरफ देखा, मतलब मुझे नीचे देखना पड़ेगा, और फिर A से स्ट्रेट लाइन मुझे C की तरफ देखना पड़ा, और फिर C से दोबारा ऊपर की तरफ देखना पड़ा तो मुझे P नज़र आया। तो मैंने ये वाला ट्राइंगल यहाँ बना दिया है PAC। इस ट्राइंगल में ये बिल्कुल अंदर का ट्राइंगल है, इस तरह आपको कट करना पड़ेगा इसको, ये यूँ आएगा, ए पे आएगा पहले, फिर ये बॉटम पे पूरा मूव करता हुआ जाएगा स्ट्रेट लाइन में सी तक, बेसिकली वो रेक्टेंगल की वो डायगनल हो जाएगी, और फिर ये ऊपर की तरफ दोबारा आएगा। तो ये इस तरह का ट्राइंगल आपको नज़र आएगा PAC। इसमें हमारे पास जो है वो कोई भी डाटा जो है वो गिवन नहीं है ना, हमें इस ट्राइंगल में तीनों साइड्स नहीं पता। तो जब तीनों साइड्स नहीं पता तो हम एंगल कैसे फाइंड आउट करेंगे ए एंगल, तो उसके लिए पहले मैं 3 साइड्स फाइंड आउट करूंगा। चूंकि AC जो है वो डायगनल है बेस की, बेस जो है वो रेक्टेंगुलर है और AC इज़ द डायगनल, तो रेक्टेंगल है तो इसका मतलब है कि मैं अगर अपने रेक्टेंगल को हाफ में डिवाइड कर दूं तो वो डायगनल बन जाती है और वो राइट एंगल ट्राइंगल हो जाता है। तो पाइथागोरस थ्योरम यूज़ किया 12 और 16 को यूज़ करके मैंने जो है वो अपना AC निकाल लिया। AC इज इक्वल टू स्क्वायर रूट, चूंकि AC हाइपोटेन्यूज है, AC की बात कर रहा हूँ, AC यहाँ से लेके यहाँ तक की साइड है, चूंकि ये हाइपोटेन्यूज है क्योंकि यहाँ पे 90 डिग्री बन रहा है, तो ये हाइपोटेन्यूज है, इसका मतलब है हाइपोटेन्यूज के लिए मुझे इन दोनों का स्क्वायर ऐड करना पड़ेगा और उनका स्क्वायर रूट निकालना पड़ेगा। तो AC जो है वो मेरे पास आ गई है 20 सेंटीमीटर, तो मैंने यहाँ पे जो है वो अपनी साइड लिख ली, AC इज इक्वल टू 20 सेंटीमीटर। तो एक साइड अभी मुझे पता चल गई, अब मुझे जो है वो PA और PC निकालनी है। जब तक तीनों साइड नहीं आएंगी, ये नॉन राइट एंगल ट्राइंगल है, तीनों साइड्स नहीं आएंगी तो मैं जो है वो फाइंड आउट जो है वो नहीं कर सकता एंगल ए। तो अब मैंने क्या किया, अब मैंने फाइंड आउट किया P से लेके A तक का डिस्टेंस। अब ये PA में जो है मुझे एक और ट्राइंगल बनाना पड़ गया,
अच्छा एक चीज और याद रखो, अब ए से लेके सी तक अगर 20 है तो इसका मतलब ये जो आपको ऊपर रेड लाइन नजर आ रही है जो ऐसे जा रही है जिसको मैं ट्रेस कर रहा हूँ, ये भी एग्जैक्टली 20 होगी। और पी चूंकि इसका बीच का पॉइंट है तो अगर मैं यहाँ अल्फाबेट ई लिखता हूँ तो ई से लेके पी तक का जो डिस्टेंस है वो 20 का आधा हो जाएगा, मतलब वो 10 हो जाएगा। क्योंकि आपको पता है कि बेस भी रेक्टेंगल है, टॉप भी रेक्टेंगल है, तो ये भी तो डायगनल ही हुई ना, और ये वाली साइड 16 है, ये वाली साइड 12 है। तो दोबारा पाइथागोरस थ्योरम लगाने से बेहतर है कि मैं वही वाला डायगनल दोबारा यूज कर लेता हूँ। ऊपर की साइड 16 है, आपको पता है ये साइड 16 है, ये साइड 12 है, आप दोबारा 16 और 12 का स्क्वायर लोगे, ऐड करोगे, स्क्वायर रूट निकालोगे, अगेन ये डायगनल 20 आएगी। तो इसका मतलब है ई से लेके पी तक का जो डिस्टेंस है वो 10 आ जाएगा, क्योंकि उसने बोला है कि पी जो है ना वो सेंटर है बिल्कुल। ठीक है, तो ये चीज एक हो गई। अच्छा अब मुझे पी ए चाहिए, तो मैं पी ए के लिए ये वाला ट्राइंगल बना रहा हूँ, ई पी ए मैंने ट्राइंगल यहाँ निकाल के बना दिया। ई पी ए आपको ये ट्राइंगल यहाँ जो है वो नजर आ रहा है, ई से लेके पी तक का डिस्टेंस जो है वो 10 है, ई से लेके ए तक का जो डिस्टेंस है वो 5 है, और मुझे पी से ए तक का डिस्टेंस चाहिए जो कि हाइपोटेन्यूज है, जो कि हाइपोटेन्यूज है। तो अगेन मैंने पाइथागोरस थ्योरम यूज किया, पी ए इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 5 स्क्वायर प्लस 10 स्क्वायर, मेरे पास पी ए आ गया 11.18 सेंटीमीटर। अब चूंकि पी से लेके ए तक का डिस्टेंस जो है वो 11.18 सेंटीमीटर है, तो पी से लेके सी तक का डिस्टेंस भी जो है वो बिल्कुल 11.18 सेंटीमीटर होगा, क्योंकि ये भी सेम वैल्यू से निकलेगा। यहाँ से लेके यहाँ तक 10 हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा, अगेन मैं पाइथागोरस थ्योरम यूज करके पी सी निकालूंगा तो मेरे पास 11.18 ही आएगा, क्योंकि सेम वैल्यूज मैं यूज करूंगा, तो इसलिए मैंने दोबारा नहीं निकाला। ये मेरे पास एक आइसोसेलस ट्राइंगल बन गया 11.18। अब मेरे पास तीनों साइड्स आ गई हैं, मुझे एंगल निकालना है, एंगल है तो मुझे पता है कि कोसाइन रूल मैं यूज कर सकता हूँ, तो कोसाइन ऑफ ए कॉस ऑफ ए इज इक्वल टू एंगल के सामने वाली साइड जो है वो सब्ट्रैक्शन में चले जाती है स्क्वायर उसका, तो 11.18 का स्क्वायर मैंने माइनस कर दिया आखिर में, और जो बाकी दो साइड बचती है उनका स्क्वायर मैंने ऐड किया, डिवाइडेड बाय 2 टाइम्स। यही जो दो पहले ही साइड्स आती हैं इन्हीं को मैं ब्रैकेट में मल्टीप्लाई करता हूँ, और मैंने 11.18 लिखा, 20 लिखा, और फिर जब मैंने कैलकुलेटर से सॉल्व किया तो कॉस ऑफ ए जो है वो 0.894 आ रहा था, और सिंस आई हैव टू फाइंड द एंगल, मुझे एंगल पी ए सी चाहिए, तो मैंने इस कॉस को शिफ्ट किया दूसरी साइड पर, ये इन्वर्स हो गया, और जब कैलकुलेटर से मैंने फाइंड आउट किया तो मेरे पास जो वैल्यू आ गई दैट इज कमिंग आउट एज 26.56 डिग्रीज, जो कि एंगल पी ए सी की वैल्यू हो गई। इसी तरह मैंने एंगल पी ए बी की वैल्यू भी निकाल ली, उसके लिए मैंने पी एंगल पी ए बी के लिए ट्राइंगल पी ए बी बनाया, पी से मैंने एक लाइन जो है वो स्लांट लाइन ए पे ड्रॉ करी, फिर एक स्ट्रेट लाइन मैंने बी पे ड्रॉ करी, और फिर यहाँ से दोबारा एक स्लांट लाइन जो है वो ऊपर की तरफ देखते हुए पी को मैच किया, तो ये इस तरह का ट्राइंगल बन गया। और पी ए फॉर्चुनेटली मेरे पास है 11.18, मैंने प्रीवियस पार्ट में निकाला हुआ है, पी बी मुझे निकालने की जरूरत नहीं है क्योंकि पी बी के लिए अगेन वही सेम सेट ऑफ वैल्यूज मुझे यूज करनी पड़ेंगी, तो ये भी आइसोसेलस ट्राइंगल है, तो पी बी की वैल्यू भी 11.18 आ गई। क्योंकि आप जब आप पी बी निकालोगे तो आपको ये वाला डिस्टेंस लेना पड़ेगा, रेक्टेंगल की दोनों डायगनल्स बराबर होती हैं, तो ये भी 20 होगी, तो 20 का हाफ 10 हो जाएगा, और ये 5 हो जाएगा अगेन, तो 10 और 5 को दोबारा लोगे तो 11.18 आंसर आना है, तो इसको सॉल्व करने की दोबारा जरूरत नहीं है। तो ये भी 11.18 आ गया, ये भी 11.18 आ गया, अगेन मुझे ये एंगल चाहिए, कोसाइन रूल यूज किया, वैल्यूज डाली कोसाइन रूल में, और जब मैंने फाइंड आउट किया, यहाँ डिफरेंस ये था कि यहाँ एक साइड 20 थी और यहाँ एक साइड 12 है, ठीक है, 11.18 ये भी थी, 11.18 वो भी थी, तो चूंकि मुझे ये वाला एंगल चाहिए तो सामने वाली साइड को सब्ट्रैक्शन में भेज दिया, बाकी दो का स्क्वायर ऐड कर दिया, और डिवाइडेड बाय यही दो फर्स्ट टू साइड्स होती हैं, इनको भी इनको ब्रैकेट में मल्टीप्लाई किया, इन्वर्स निकाला, तो मेरे पास एंगल पी ए बी जो आ गया दैट इज एग्जैक्टली 57.54 डिग्रीज आ गया। तो दोनों एंगल्स मैंने फाइंड आउट कर लिया, चूंकि ये रेक्टेंगुलर ब्लॉक था, इसमें बेस भी रेक्टेंगल, टॉप भी रेक्टेंगल, तो इसी वजह से जो सेंटर से ट्राइंगल्स बन रहे थे वो सारे आइसोसेलस ट्राइंगल्स बन रहे थे, क्योंकि आपको पता है कि रेक्टेंगल की डायगनल जो होती है वो बिल्कुल बराबर होती है दोनों डायगनल्स, तो इसीलिए जो है ना मैंने ये क्वेश्चन जो है वो थोड़ा सा डिफरेंट मुझे लगा, क्योंकि इसमें राइट एंगल ट्राइंगल्स नहीं बन रहे, थोड़ा सा इसमें एंगल्स ट्राइंगल्स जो है वो नॉन राइट एंगल बन रहे, तो मैंने कोसाइन रूल जो है उसको यूज़ करके अपने एंगल्स की वैल्यूज फाइंड आउट कर ली। आई होप ये क्वेश्चन तुम लोग को समझ में आओगे, थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन है, इसकी ज़रूर प्रैक्टिस करना और अपना फीडबैक लाजमी देना। इसके अलावा कोई कन्फ्यूजन हो, कोई क्वेरी हो तो डू शेयर इट विद मी, आई विल इंशाल्लाह ट्राई टू रिस्पॉन्ड एज सून एज पॉसिबल। अंटिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।